या फाइनल ईयर बीबीए स्टूडेंट हो और इंटर्नशिप्स या प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हो, तो कौन से हैं वो स्टेप्स जो स्टूडेंट्स को बीबीए प्लेसमेंट्स के दौरान कंप्लीट प्रिपरेशन करने में मदद करेगी, कौन से हैं वो टॉपिक्स जो बीबीए स्टूडेंट्स को पढ़ने पड़ेंगे और कैसे सवाल इंटरव्यू के दौरान पूछे जाएंगे। अगर आपके भी हैं ये सारे डाउट्स तो बीबीए फंडास बाय सनस्टोन की आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बीबीए जॉब्स इंटरव्यू गाइड 2024 के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये इम्पोर्टेंट वीडियो। टू गेट फ्री करियर काउंसलिंग चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन्ड कमेंट बिलो। अगर आप फर्स्ट या सेकंड ईयर के बीबीए स्टूडेंट हो तो प्रोबेबली आप इंटर्नशिप्स ढूंढ रहे हो, मगर अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो और एमबीए करने के पहले रेलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस चाहिए तो प्रोबेबली आपका इंक्लिनेशन फुल टाइम रोल्स की तरफ ज्यादा होगा। अब हम सबको पता है कि जॉब मार्केट बहुत ज्यादा कंपेटिटिव हो गया है, क्योंकि हर दूसरा इंसान बीबीए एमबीए कर रहा है, तो सिर्फ बीबीए डिग्री काफी नहीं है एक अच्छी रोल लैंड करने के लिए। तो कौन सी है वो स्टेप्स जो हमें एक अच्छा प्लेसमेंट दिलवाएगी, इन्हें आज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप है नो द बेसिक्स। आपको बीबीए इंटरव्यूज में अपीयर करने के पहले कुछ कोर टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना पड़ेगा, जैसे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से समझने होंगे और कुछ लाइव एग्जांपल्स यूज करके लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग जैसे प्रिंसिपल्स को समझाने भी पड़ेंगे कि कैसे आपने इन कॉन्सेप्ट्स को अपने प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स में यूज किया गया है। दूसरा है मार्केटिंग मिक्स। आपसे 4 P's ऑफ मार्केटिंग यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला टॉपिक है फिनेंशियल अकाउंटिंग। आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना और एनालाइज करना आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको इंटरव्यू में बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस टैली करने को कहा जाए। सो मेक श्योर दैट यू आर कंफर्टेबल इनफ विद दीज टॉपिक्स। उसके बाद आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि आप टीम कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करोगे, एम्प्लॉय मोटिवेशन की क्या जरूरत है और कंपनी कल्चर को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। सो मेक श्योर आप इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करके जाओ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ही अंडररेटेड सॉफ्ट स्किल है। कम्युनिकेशन इज अ टू वे स्ट्रीट, तो आपको रिक्रूटर को समझाना पड़ेगा कि कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू आप किसी भी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो। दूसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना है अपने बीबीए इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स के पहले, वो है सॉफ्टवेयर्स को जानना। इसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब इसकी प्रोफिशिएंसी हर इंडस्ट्री रिक्रूटर कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट से एक्सपेक्ट करती है कि एटलीस्ट आपको फॉर्मूलाज यूज करना आता हो, स्प्रेडशीट्स बनाना आता हो, डेटा एनालाइज करना आता हो विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। अब एक्सेल में आप बेसिक फंक्शन सीख सकते हो फॉर स्टार्टर्स, जैसे कि वी लुकअप, एच लुकअप, पिवट टेबल और डेटा एनालिसिस को परफॉर्म करना। अगला सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। Now, I'm sure कि आप सब में से बहुत लोग पावर पॉइंट पे काम कर रहे होंगे बिजनेस स्कूल्स पे, तो आपको पता होगा कि पावर पॉइंट का जो बेसिक रोल होता है, बेसिक फंक्शन होता है, वो है प्रेजेंटेशंस। एंड विजुअली अपीलिंग प्रेजेंटेशंस किसी भी बिजनेस रोल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, तो इंटरव्यूज के पहले आप बेसिक फंक्शन सीख सकते हो इसके, जैसे कि स्लाइड डिजाइन, स्टोरी टेलिंग, एनिमेशन इफेक्ट्स एक्सेट्रा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सॉफ्टवेयर आपको आनी चाहिए वो है टैबलू, विच इज अ वेरी पावरफुल डेटा विजुअलाइजेशन टूल। अब ये उन रोल्स में यूज होता है जिनमें डेटा के बेसिस पर डिसीजंस लिए जाते हैं और डेटा के इनसाइट्स को प्रेजेंट करना होता है। तो आप टैबलू में बेसिक फंक्शन सीख सकते हो, जैसे कि डैशबोर्ड्स बनाना, फिल्टर्स यूज करना और डेटा ब्लेंडिंग। अब अगला स्टेप जो है, यानी कि अगला पॉइंट जो है, जो आपको अपने बीबीए के प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स के पहले ध्यान में रखना है, वो है कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिसके बारे में हम इन डिटेल अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो इंटरव्यू में आपको कई तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस होंगे, कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस आपकी पर्सनालिटी और आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट करेगा, और कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो आपके रोल से डायरेक्टली लिंक्ड होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट के रोल के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक बिजनेस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए कौन से हैं वो स्टेप्स जो आप फॉलो करोगे, यानी कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से लेकर सॉल्यूशन ढूंढने तक कौन से हैं वो स्टेप्स जो आप फॉलो करोगे। अगर आप सोशल मीडिया
मार्केटिंग के रोल के लिए इंटरव्यू कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ट्रेंड्स है जो हमेशा चेंज होते रहते हैं, कैसे आप उनके साथ अपडेटेड रहते हो। तो दोस्तों, इन सारी बातों का जस्ट ये है कि इंटरव्यूज में आपसे कभी भी थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा ऐसे सवाल जो आपके बीबीए के नॉलेज, यानी कि बीबीए में आपने क्या पढ़ा है 3-4 साल, उसके नॉलेज को टेस्ट करें। आप इंडस्ट्री को कितना अच्छे से जानते हो, अपने रोल को कितना अच्छे से समझते हो, उसे टेस्ट करें। इससे एम्प्लॉयर्स को ये समझ आ जाएगा कि आप उस रोल के लिए कितना ज़्यादा रेलिवेंट हो। मैं आपको एक टिप बता दूँ कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के एटलीस्ट 10 जॉब डिस्क्रिप्शंस को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि उसमें ऐसी स्किल्स एंड रिक्वायरमेंट्स होंगी, हो सकता है आप उसमें बहुत अच्छे हो, बट इन केस वो उस पर्टिकुलर स्किल आपको नहीं आती या फिर आप उतने अच्छे नहीं हो, आप आराम से उस स्किल को प्रैक्टिस कर सकते हो एंड आप इंटरव्यू में जाके कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो। जो आखिरी स्टेप है, दैट फोकसेस ऑन हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स। तो आइए जान लेते हैं कौन सी है वो स्किल्स जो बीबीए स्टूडेंट्स को डेवलप कर लेनी चाहिए रिक्रूटर को इम्प्रेस करने के लिए। उसमें सबसे पहला आता है AI टूल्स। तो दोस्तों, AI का जमाना है एंड जैसे कि आपको पता होगा, हर सेक्टर में, हर इंडस्ट्री में, हर कंपनी AI टूल्स यूज कर रही है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं आप भी अपने असाइनमेंट्स में AI टूल्स का यूज जरूर करते होंगे, जैसे कि ChatGPT या फिर गूगल बार्ड। तो AI टूल्स को यूज करना आना आपको एक बहुत ही कंपेटिटिव एज दे देगा मार्केट में, क्योंकि रिक्रूटर्स जो हैं वो ऐसे एम्प्लॉयज को ढूंढ रहे हैं जो नए टेक्नोलॉजीज के साथ अप टू डेट है एंड जो एफिशिएंट है। दूसरा स्किल है मार्केटिंग एनालिटिक्स। मार्केटिंग एनालिटिक्स इन्वॉल्व करता है मार्केट के डेटा को एनालाइज करना ताकि आप कंज्यूमर बिहेवियर को समझ सको। टू बी मोर स्पेसिफिक, KPIs समझना। KPIs को कहा जाता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और KPIs बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि कन्वर्जन रेट्स, क्लिक थ्रू रेट्स या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा अगर आप गूगल एनालिटिक्स या फिर सोशल मीडिया एनालिटिक्स के टूल सीख लेते हो, वो भी काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, जैसे कि हूटस्वीट या फिर स्प्राउट सोशल। तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, ये बहुत ही अंडररेटेड स्किल है एंड ये बहुत जरूरी है वर्बल में भी और रिटन में भी किसी भी बिजनेस रोल के लिए। एंड कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व करता है दूसरे की बात सुनना और इफेक्टिवली अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। अगेन, दिस इज अ वेरी अंडररेटेड स्किल, बट कॉर्पोरेट में इसे बहुत ज्यादा वैल्यू किया जाता है, क्योंकि रिक्रूटर्स सॉल्यूशन ओरिएंटेड एम्प्लॉयज चाहते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स कि आप एक सिचुएशन को एनालाइज करो और उसकी सॉल्यूशंस निकालो। ये आपको डिसीजन लेने में और प्लानिंग करने में बहुत मदद करेगी। तो गाइज, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये स्टेप्स आपको बहुत ही हेल्पफुल लगे हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बीबी फंडास बाय सनस्टोन के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बीबी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद अस।